वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? तो टाइटल देखे तो आप सब ने गेस कर ही लिया होगा कि ये वाला व्लॉग क्या होने वाला है। तो ये वाली व्लॉग होने वाली है कि मैं कहीं जा रही हूँ, और मैं क्यों जा रही हूँ मैं आपको बाद में बताऊँगी वहाँ पहुँच कर। तो अभी हम घर से निकल रहे हैं। सो या बस अभी के लिए तो यही अपडेट है। और कहाँ जा रहे हैं मैं आपको एयरपोर्ट पर जाकर बताऊँगी, ठीक है? सो लेट्स गो। और वहाँ जाकर बताऊँगी कि क्यों आया है यहाँ, ठीक है? तो ओके स्टे ट्यून गाइस। रीच लगा है तो हमने बैग वगैरह सब चेक इन वगैरह कर लिया है। अब हम थोड़ा सा लाउंज वगैरह में बैठेंगे, खाना खाएंगे। मतलब बहुत टाइम बाद बैठ रही हूँ मैं। पहले बचपन में बिठाया था घर वालों ने, फिर उसके बाद अब बैठ रही जाके फ्लाइट में। तो मैं बैठी हुई हूँ ऐसा नहीं है, बट बहुत टाइम बाद। तो या स्टेडियम तूने हमको है बनाया, तूने हमको है सवारा, चाह को तो रब का है, हमें तेरा है सहारा, बस तेरा साथ हो चाहे जो बात हो, बस तेरा साथ। हम लोग पहुंच चुके हैं उदयपुर। तो हम क्यों आए हैं, क्यों आए उड़ापा? मैरिज में। किसकी मैरिज में? किसकी मैरिज में? दोस्त की बेटी की शादी। हाँ, तो हम इसलिए आए हैं उदयपुर। क्यों आए हैं उदयपुर? दोस्त की बेटी, डैडी के दोस्त के बेटे की लड़की की शादी है। हाँ, इसलिए हम तीनों आए हैं। और कल ये मुझे घुमाएंगे, कल घुमाओगे ना फिर? देखते हैं जितना टाइम होता है। भाई मैं तो घूमूंगी इसलिए तो आई हूँ। चलो अभी हम वेट कर रहे हैं, उन्होंने हमारे लिए कैब भेजी है। तो वो जब आएगी फिर हम जाएंगे, दिखाती हूँ हम लोग पहुँच चुके हैं जहाँ पे हम लोगों का स्टे था। और ये रिजॉर्ट ना काफ़ी अच्छा लग रहा है, आई मीन होटल जो भी कह लो, रिजॉर्ट कह लो, मतलब ऐसे ना बने हुए हैं, बहुत बढ़िया है। तो अभी मैं आपको रूम टू भी दूँगी। ओके, प्लेइंग स्पॉट भी है खेलने के लिए, और ये पूरा ऐसे है। अब देख सकते हो इधर, आप ऐसे चिल वगैरह कर सकते हो बैठ बैठ के। Thank you.
जो ये रिजॉर्ट है ना रहने के लिए, स्टे करने के लिए, बहुत बेस्ट है। मैं तो लास्ट में नाम ज़रूर बताऊंगी आपको, अभी मेरे को नाम नहीं पता क्योंकि मैं रास्ते में पूरा सो कर रहा हूँ, इतनी थकी हुई थी। तो अभी मैं आपको रूम टूर देती हूँ। यह है बालकनी एरिया, इधर से व्यू ऑसम, इधर से एंट्री। ये आपको इधर कवर्ड मिल जाएगी, चाय वगैरह एंड ऑल। और इधर है कवर्ड, इधर से भी आप देख सकते हो, इधर भी एक स्मॉल विंडो है। हाँ, और ये है स्मॉल बाथरूम, ये है नानी का और ये हूँ मैं। रूम वॉज गुड, मतलब छोटू सा है और पर बाहर से व्यू बहुत प्यारा है। तो मैं लास्ट नाम ज़रूर बताऊंगी या नीचे साइड में ना ऐसे लिख दूंगी, ठीक है? तो आप उधर से देख लेना, जब भी आप अगर उदयपुर आए तो आप उधर स्टे कर सकते हो। ओके, अब ये जो जगह है वैसे ना इधर ना घर में ऐसे यार्ड टाइप से बना हुआ है, एक घर है और इसमें चार कमरे हैं, मैंने चार पोर्शन में रूम्स हैं ऐसे डिवाइड है। अब हम उसको एक्सप्लोर करने जा रहे हैं क्योंकि अब धूप कम हो गई है, क्योंकि 5 बज रहे हैं अराउंड, और देखते हैं कि इधर क्या क्या है और आपको दिखती हूँ। बनाया तूने हमको है सवारा, चाह को तो रब का है, हमें तेरा है सहारा, बस तेरा साथ हो चाहे जो बात हो, बस तेरा साथ हो चाहे जो बात हो, तेरे कहने से कर जाएंगे। साथ में अपना मेकअप रिमूव कर रही हूँ क्योंकि साड़ी बनवाने जाना है, उन्होंने कहा है कि आ जाओ फटाफट, तो इसीलिए जल्दी जल्दी अपना रिमूव कर रही हूँ, फिर मैं साड़ी बनाने आऊँ, फिर आगे करूँगी मेकअप। ओके, तो स्टे टेट साड़ी वगैरह से मैं बनवा रही थी उनसे, अब मैं करूँगी मेकअप एंड मैंने फाउंडेशन वगैरह बेस वगैरह तो अप्लाई कर ही लिया एक तरह से, अब मेरे को बस कंसीलर ये सब अप्लाई करना है। तो मैं अगर बताऊँ जो करना आपसे। तो ये है इधर का नाइट व्यू और मैं हो चुकी हूँ रेडी, तो बहुत जल्दी जल्दी 5 मिनट में मैंने पूरा अपना मेकअप करा और बहुत जल्दी जल्दी, और मेकअप भी मुझे ऐसे सेटिस्फाइंग नहीं लगा बट कोई नहीं, और मैं हाथ में कड़ा पहनना भी भूल गई हूँ। तो अब क्या ही कर सकते हैं, अब हम दिखाती हूँ मैं आगे क्या क्या होता है। और मैं फर्स्ट टाइम अटेंड करूँगी मॉडर्न शादी या निकाह, सो आई एम एक्साइटेड। तो यहाँ वी रीच दी लोकेशन, तो अब मैं अभी आपको अपनी पूरी लुक दिखाऊंगी, अब आप देख सकते हो। उसमें मैंने ना अपनी वीडियो देखी जो मैंने अंधेरे में रिकॉर्ड करी थी, भाई उसमें ना सफ़ेद बूट नहीं लग रही, सीरियसली आपके बोलने से पहले मैं खुद ही बोल रही हूँ, उसमें ऐसा लग रहा है क्योंकि मैंने फ्लैश ऑन करी थी ना और अंधेरा था इसलिए, और मैंने अपने ये बैंगल मंगवा लिए थे, मैंने मेरे बैंगल लिया मम्मी का। तो अभी इधर ना राजस्थानी वगैरह जो सिंगिंग होते हैं ना वो भी, उसका भी प्रोग्राम होगा तो मैं वो आपको दिखाऊँगी और अपने लुक भी दिखाती हूँ भी, पापा और बढ़ावा पता नहीं कहाँ चले गए। मैं आपसे गप्पे मार रही हूँ, मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ, सब वेट है वॉच। और हाँ, ये मैं पहली बार देखूँगी निकाह क्योंकि मैंने लाइफ में कभी देखा नहीं है, सो यार मज़ा आएगा, देखते हैं और आपको भी दिखाऊँगी। Thank you.
दूल्हे की एंट्री हुई है वो मैंने आपको इससे पहले दिखाया था। सुंदर होता है एक साइड सारे लड़के खड़े होते हैं और एक साइड सारी लड़कियाँ, और ना लड़कियाँ लड़कियों का स्वागत करते हैं और लड़के लड़कों का। तो और जो दूल्हा होता है वो लास्ट में आता है, जैसे कि आपने देखा होगा। ये तो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, मुझे इतना पता नहीं था। और अभी तो मैं तो हम सारी लड़कियाँ एक जगह इकट्ठी हैं और लड़कों का अलग है। मैं आपको दिखाती हूँ, शो यू गाइस मेजर वॉच साइड है, इधर लड़की बैठेगी कबूले कबूले करेगी और उस वाली साइड लड़का बैठा हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हो, ज़्यादा क्लोजअप होगा। और इधर लड़के सारे जेंट्स बैठे हुए हैं और इधर लड़की बैठेगी, और वो जो निकाह करवाते हैं वो मेरे को याद नहीं आ रहा, और वो कैसे नहीं जी शायद, नहीं नहीं मैं गलत ना बोल रहा, जो भी होते हैं वो बोल रहे हैं कि कबूल है तो लड़की बोलती है हाँ है ना, जो भी फिर उसके बाद लड़के से Yeah.
गुड मॉर्निंग उदयपुर। तो कल रात में मैंने व्लॉग की एंडिंग वगैरह कुछ भी नहीं करी, मेरी आंखें काली काली लग रही हैं, मेकअप बताऊं मैं पोछ तो देती हूँ बट ना आंखों के नीचे फिर भी रह जाता है। और आप लोग कमेंट करके बताना आपका भी रह जाता है या नहीं। भाई मैं रात में इतनी ज़्यादा थक गई थी ना, लिटरली बोला भी नहीं जा रहा, सुबह जल्दी उठे थे ना तो फिर भाई आके कुछ भी नहीं बनवा, फटाफट मैंने अपना मेकअप मैं ऐसे ही फैला के चली गई थी, फटाफट आके समेटा, फिर उसके बाद पैक वैक करा, फिर बस मैं सो गई उसके बाद। और जो मेरा नाइट सूट था जहाँ मैं साड़ी बनवाने गई थी वहीं रह गया था, तो फिर मुझे यही टॉप पहन कर सोना पड़ा रात में। वो तो एक्चुअल नीचे का तो मैं एक्स्ट्रा लाई थी लोअर, बट स्टिल अभी पापा और ही गए ब्रेकफास्ट करने, मैं नहीं गई, मेरा मन नहीं कर रहा था क्योंकि घर वाले घुमाने नहीं लेके जा रहे यार मुझे। एक्चुअली इनका एक और फंक्शन है, उसका नाम मुझे नहीं पता, बट वो कोई कह रहा था रिसेप्शन है, तो शायद रिसेप्शन है और हमें इस चीज़ का पता नहीं था। बट गाइस मैं तीन चीज़ें लाई थी, तीन ड्रेस लाई थी, इनकेस मैं इसलिए लाई थी कि अगर साड़ी किसी को बांधनी नहीं आती होगी तो मैं सूट पहन लूँगी, तो फिर आज मैं सूट पहन लूँगी। बट मुझे घूमना था, घूमने के लिए मैं अलग ड्रेस लाई थी। अब मैं क्या करूँ गाइस, क्योंकि फिर अगर हम गए वहाँ फंक्शन पे तो उसके आके तो मैं चेंज करूँगी, क्योंकि मैं उस फंक्शन जो ड्रेस पहनी होगी सूट, वो सूट पहनकर मैं फ्लाइट में तो नहीं जाऊँगी भाई, सूट पहन के तो नेवर एवर। तो लेट्स सी, मैं आपको बाहर का व्यू दिखाती हूँ, फिर मैं इस वाली व्लॉग को एंड करती हूँ क्योंकि मुझे नई व्लॉग चालू करनी है, फिर कॉन्टिन्यू जो सेकेंड व्लॉग होगी उदयपुर की आप बाद में आई हूँ तब देखना। एक सेकेंड, आई विल शो यू गाइस द व्यू। वेट, what a view guys, what a view, you can see, मजा ही आ जाएगा। और उधर घास मतलब पौधे पौधे हैं, ये तो बंजर है पर जो व्यू है ना, जो ओरिजिनल का व्यू है तो मेरे पीछे का जैसे लगता है कि हम वो उत्तराखंड साइड आ गए हैं। बट यार ये भी सुंदर है यार, मस्त है, मस्त है। और ये ना रिजॉर्ट मैं आपको आज बाहर से दिखा दूंगी, बट ना इसमें ना एक नेगेटिव पॉइंट है। नेगेटिव पॉइंट ये है कि ना इधर रात में डिम लाइट ही है, मतलब एक ब्राइट लाइट होती है ना वाइट वाली लाइट, वो नहीं है रूम में, तो रात में ना थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है मेकअप करने में। और दूसरा ये है कि अगर लड़के लड़के हैं तो वो तो चल सकता है, ठीक है, लड़कों को तो कोई मेकअप की ज़रूरत नहीं है, मतलब डिम लाइट में भी अंधेरे में भी रह सकते हैं बट जो लड़कियाँ होती हैं अगर उनको मेकअप वगैरह करना है वो आइडिया से तो हो ही जाता है, बट स्टिल एक ब्राइट लाइट की ज़रूरत होती है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको आपको क्या लगता है आई डोंट नो, बट मेरे हिसाब से। और दूसरी बात कि इधर ना वेंटिलेशन है, वेंटिलेशन इन द सेंस कि अगर हम वॉशरूम वगैरह में हैं, ठीक है, तो ना वो वेंटिलेट नहीं हो रहा, मतलब एग्जॉस्ट फैन वगैरह नहीं है वो ना कमरे में, कमरे में नहीं आ रही, बट जो बाहर का ड्रेसिंग एरिया है ना और शार वाला एरिया वहाँ पर स्मेल आती है, तो इसीलिए आई नो यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, एग्जैक्टली सेइंग। सो या ये है व्यू ऑल्सो मस्त। तो अभी तो मैं ये वाला व्लॉग इधर ही एंड करती हूँ। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, इफ यू डिड देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल, और ऐसे प्यार बनाते रहना, प्यार देते रहना, फटाफट मेरे 2K करवा दो गाइस, फिर मैं पक्का इस बार तो मैंने सोचा है पक्का आई होंगे पक्का। तो या तो बाय बाय ऑल, लव यू ऑल, बाय।